बसने का ऑफर था मेरे पास, आयरलैंड में बसने का था मेरे पास, चाइना में था, यूएसए में बसने का ऑफर था, मैं बस सकता था, पर मैंने कहा नहीं भाई, मेरा तो नाम ही भारत है। मेरा नाम भारत कुमार है, पूरा नाम है भारत कुमार प्रजापत, और मेरे फादर का नाम है श्री करमवीर सिंह प्रजापति, और बेसिकली मैं हूँ झज्जर से, हरियाणा से, और अभी हम बाद में शिफ्ट हो गए थे इधर नजफगढ़ में। 2005 से मैंने प्रोफेशनली मेरा स्पोर्ट शुरू कर दिया था। एथलेटिक्स में मैंने नेहरू स्टेडियम ज्वाइन किया 2005 में, उसके बाद 2005 से डिस्ट्रिक्ट स्टेट नेशनल जीते हुए इंटरनेशनल में मैंने जीता वर्ल्ड चैम्पियनशिप में सिल्वर मेडल एथलेटिक्स में। फिर उसके बाद मैं गया मलेशिया इंटरनेशनल गेम खेलने मलेशिया में। फिर उसके बाद मैं 2009 में एथलेटिक्स में वर्ल्ड गेम्स में गोल्ड मेडल जीता मैंने, और फिर 2010 एशियन गेम्स में भी पार्टिसिपेशन किया मैंने। 2010 अपने यहाँ कॉमनवेल्थ हुए थे उसकी भी टीम में मैं ट्रेनिंग के लिए इंग्लैंड गया था, और 2011 में मेरे पैर में चोट लगी और डॉक्टर ने बोला कि भाई ऑपरेशन होगा, उसके लिए 90,000 रुपये चाहिए। तो पैसे मेरे पास अभी भी नहीं है, पहले भी नहीं होते थे, तो मेरे को मेरी रनिंग छोड़नी पड़ी पैसे की कमी के कारण। और फिर मैंने मेरा स्विमिंग ज्वाइन किया क्योंकि मेरे को स्पोर्ट्स नहीं छोड़ना था, स्पोर्ट्स से बचपन से ही प्यार है, स्पोर्ट्स के अलावा कुछ बहुत ज़्यादा आता नहीं है। मैंने मेरा स्विमिंग ज्वाइन किया और स्विमिंग में मैंने 2011 से लेकर 2015 तक हर साल मैं तीन चार मेडल जो है नेशनल लेवल पर स्विमिंग में भी जीतता हूँ। तो ये एक लंबा सफ़र है, करीब 10 साल हो गए हैं स्पोर्ट्स में मेरे को खेलते हुए। पहले एथलेटिक्स किया और फिर मैंने स्विमिंग किया और उसमें भी मेडल जीते। अभी क्या है कि मैं जो है फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझता हूँ, फंड्स की मेरे पास दिक्कत होती है, मेरे पास पैसे नहीं होते हैं कि मैं मेरी डाइट को ढंग से ले पाऊँ। तो उसने मेरे को बोला कि भाई एक लड़का चाहिए जो गाड़ियाँ साफ कर सके, तो मैंने बोला ठीक है, क्योंकि पड़े पड़े रह के क्या करूँ मैं घर में, तो ठीक है गाड़ियाँ साफ करनी शुरू कर दी, और वो भी इसलिए कि मैं मेरे स्पोर्ट्स को आगे बढ़ा पाऊँ। जन्म से याद नहीं है, और ये पाँचवीं क्लास से इसको खेलने का शौक़ हो गया था। है बुआ के घर पर रहता था ही, वहीं इसको खेलने का शौक़ हो गया था, तैरना भी इसने वहीं सीखा था, मैं से उसे नहलाने जाता था, वहीं अपने बुआ के घर पर रह के, और फिर इसने खेलने का शौक़ हो गया था। हमारे बस की इतनी मज़दूरी करने वाले हैं, इतनी इसके ऊपर खर्चा बहुत है, हम नहीं इसको इतना खर्चा दे पा रहे, जो भी इसने अपना करा अपनी मेहनत से करा। फाइनेंशियल दिक्कत रही है बचपन से, दिक्कत बस यही रही है कि भाई जैसे मान लो आपको प्रैक्टिस आप कर रहे हो 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को, तो आफ्टर प्रैक्टिस आपको एक गिलास जूस तो चाहिए होता है कम से कम। नेहरू स्टेडियम के बाहर अगर आपको पता हो तो लेफ्ट हैंड साइड पे एक साईं बाबा का फेमस मंदिर है, मैं ये लगा लो मेरी प्रैक्टिस के बाद जो मेरी डाइट होती थी ना, वो डाइट मुझे मंदिर से मिलती थी, भिखारियों के साथ उसी लाइन में बैठ के मैं खाना खाता था, वो मेरी डाइट होती थी। अगर मान लो वहाँ पे भी खाना मेरे को नहीं मिला है, तो नेहरू स्टेडियम में प्रैक्टिस करने के बाद मैं गुरुद्वारा बंगला साहिब जाता था, क्योंकि वहाँ पे फ्री में मिलता है ना लंगर में, वो मेरी डाइट होती थी। इसको इतना अच्छा खेलता है सपोर्ट, मेरे को इसको सपोर्ट नहीं मिल रही, मतलब ये है इसको इतना परिवार में आपने देखा भी होगा गरीबी से इतने जूझ रहे हैं, कोई मदद के लिए आता नहीं, और भाई सपोर्ट में खेलोगे कूदोगे तो खुराक के लिए पैसा तो चाहिए, तो मदद इसको कहीं से भी नहीं मिल रही, वादे कर देते हैं, और फिर इसकी खुद का भी जो हुनर है आप उसको देख लो, इतने मेडल आ रहे हैं सपोर्ट में, आगे भी जाए खेल का है, वर्ल्ड चैम्पियन का भी टूर लगाया है, उसके हिसाब से ना तो कोई गवर्नमेंट से सपोर्ट मिल रही ना किसी वैसे। हमारे 4 भैंसे थी ठीक है, और मैं मेरी बुआ के घर में रहता था, तो हिंडन जो नहर है ना वहाँ मेरी बुआ जी रहती हैं उस तरफ गाज़ियाबाद में, तो क्या होता था कि मैं उन भैंसों को जंगल में चराने में ही जाता था, और शाम को पानी भी मैंने पिलाना है, सुबह उनको नहर में पानी मैंने पिलाना है, तो भैंस को जब भैंस पानी में इंटर करती है उसको नहलाना पड़ता रगड़ के ठीक है। तो अब मैं जा रहा हूँ चराने तो मैं उनको रगड़ के नहलाऊंगा भैंसों को, भैंस की पूंछ पकड़ी और पानी में इंटर करना शुरू कर दिया ठीक है, पानी में इंटर करना शुरू कर दिया, और पहले दिन थोड़ा सा अंदर गया, दूसरे दिन और आ गया, तीसरे दिन और आ गया, और भैंस की पूंछ नहीं छोड़ी बस, और पैरों को फ्लिप करना शुरू कर दिया, स्विमिंग सीख गए ये लोग।
शुरू से इनका इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में रहा है, हालांकि हमारे फादर जो थे वो मना करते थे स्पोर्ट्स के लिए, पर भैया नहीं माने, अपना स्पोर्ट्स जारी रखा और देश के लिए इतने मेडल जीते और आगे भी जीतेंगे अगर इनकी मदद होती रही तो। इतने मेडल्स हैं, सब कुछ है, हौसला है, हिम्मत है, करने का जुनून है और मैं कर भी रहा हूँ। इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स जीते हुए हैं, एशियन गेम्स खेला हुआ है, एक नौकरी तक नहीं है, हैं चार पैसे तेरे पास नहीं है, कभी साला मंदिरों में खाना खा रहा है, कभी गुरुद्वारों में खाना खा रहा है। स्पोर्ट्स की लाइन होती है एक, डाइट है तो फाइट है, ठीक है ना, डाइट रहेगी ना फाइट रहेगी, डाइट तो है नहीं, फाइट फिर भी चल रही है। तो मैंने एक ट्वीट किया प्रधानमंत्री जी को, मैं देख रहा था कि भाई सब लोग ट्वीट करते हैं, हैं ये नेता बॉलीवुड सब ट्वीट कर रहे हैं, तो मैंने ट्विटर डाउनलोड किया और एक ट्वीट किया प्रधानमंत्री जी को कि सर आई नीड योर हेल्प, है ना, आई एम लूजिंग माई गेम बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मनी, ऐसे करके मैंने एक ट्वीट डाला, उसको लोगों ने रीट्वीट कर दिया, लाइक कर दिया खूब। पाकिस्तान से आ गया मेरे पास मैसेज कि भारत कुमार पाकिस्तान इज़ विथ यू, है ना, वी विल हेल्प यू, पाकिस्तान से आ गया, पाकिस्तानी भी चाहते हैं मेरी हेल्प करना, सोचो। और हमारी गवर्नमेंट का कोई मैसेज नहीं आया, तो वो पाकिस्तान वाले मैसेज के नीचे मैंने उनको ट्वीट किया रिप्लाई में कि भाई आई डोंट वॉन्ट मनी फ्रॉम यू, आप तो मेरे लिए दुआ कर दो बस। मेरी लास्ट यही अपील है भारत सरकार से, गवर्नमेंट से मेरी यही अपील है कि भाई मेरे को एक नौकरी दी जाए, परमानेंट जॉब दी जाए, जिससे मैं सम्मान के साथ खुद के कमाए हुए पैसे खर्च कर पाऊँ, है ना, और एक इज्जत भरी ज़िंदगी जीऊँ और अपनी विल पावर के दम पे अपने स्पोर्ट्स को मैं आगे बढ़ा पाऊँ, देश के लिए और अधिक पदक जीत पाऊँ, मेडल्स जीत पाऊँ। भारत कुमार का सपना भारत को जिताने का है। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है सतत संघर्ष ही, संघर्ष से हटकर जिए तो क्या जिए हम या कि तुम, जो नत हुआ वह मृत हुआ, जो व्रंत से झड़कर कुछ। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है सतत संघर्ष ही।